जो डिजीज है वो नॉर्मल डिजीज जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। अभी हम डिजीज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसका लास्ट में रैपिड रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? बैक्टीरियल हो गया हमारा, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है, वायरल हो गया, उसके बाद हमने देख लिया प्रोटोजोअन्स के बाद। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट किंगडम, नेक्स्ट किंगडम कि भाई उससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो हम बात करते हैं फंगस से। ठीक है, फंगस मतलब फंजाई किंगडम के सदस्य। फंजाई किंगडम के सदस्य, आपने जब फंजाई पढ़ी थी तो उसमें देखा था जो फंजाई किंगडम के सदस्य थे वो प्लांट्स के अंदर भी करते हैं और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी कैसे होते हैं, रोगकारक होते हैं। हमने जब फंगस पढ़ा था तो हमने डिस्कस करा था जो फंगस होता है वो उसकी वजह से मोस्टली कौन कौन से, मैंने बात करी थी जो डैंड्रफ होता है हमारे सर के अंदर, जो स्कैल्प के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, व्हाइट व्हाइट लेयर आ जाती है, वो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। ध्यान रखना डैंड्रफ जो है वो फंगस से होने वाला डिसऑर्डर है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछता है, चार डिजीज के नेम दे देगा और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो फंगस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, तो जो हमारा जब उस टाइम में मैंने बोला था जो दाग हो जाते हैं, रिंगवर्म जिसे बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। अब ध्यान रखना मोस्ट तो इम्पोर्टेंट याद करने की चीज है कि नाम, हमें पहले ये पता रहना चाहिए भाई टाइफाइड क्या है, वायरल है या बैक्टीरियल है। हमें ये पता रहना चाहिए डेंगू क्या है, वायरल है या बैक्टीरियल है ना, ऐसी चीजें हमें बतानी चाहिए। डेंगू किससे होता है, अर्बो वायरस से, रिमेम्बर। एंड देन हम बात करते हैं डेंगू होता है अर्बो वायरस से, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें डिजीज का पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी जो डिजीज है वो किस किस के अंदर आती है, जैसे किस किस के अंदर जो है कौन कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन कौन सी वायरल। हम बात करते हैं जो दाग होते हैं हमारे, जो डैंड्रफ होता है, फर्स्ट हम देखते हैं रिंगवर्म। दाग जो होता है रिंगवर्म जिसे बोलते हैं वो होता है हमारा ट्राइकोफाइटोन। हमने पढ़ा था ट्राइकोफाइटोन जो होती है, ट्राइकोफाइटोन एक कवक है। ट्राइकोफाइटोन अल्टरनेरिया ये कौन सी क्लास में आते थे, ड्यूटेरामाइसिटीज के अंदर आते थे। ट्राइकोफाइटोन की वजह से हो जाता है दाग। अब दाग में होता क्या है, दाग के अंदर व्हाइट रेड कलर के गोल गोल फुंसियां हो जाती है जो होता है दाग। दाग किस किस से होता है, गीले कपड़ों की वजह से होता है। ठीक है, संक्रमित की हम चीजें यूज कर लेते हैं उससे होता है, तो ये कैसा होता है, इन्फेक्शन होता है, संक्रमित होता है। ठीक है, फर्स्ट फंगल डिजीज समझ आ गई कि रिंगवर्म होता है जो किससे होता है, ट्राइकोफाइटोन से। ये चीजें यार नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि हम रिवाइज करेंगे तो रिमेम्बर हो ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है, हम किसकी बात कर रहे थे, डैंड्रफ की बात कर रहे थे। तो इतना सीवियर डैंड्रफ भी हो जाता है लोगों को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गंजापन तक हो जाता है। ठीक है, तो वो जो डैंड्रफ है, गंजापन है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है उसके अंदर है ना कवक आ जाते हैं। कवक के लिए जो अनुकूल परिस्थिति थी वो क्या थी, ह्यूमिडिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो नमी रहती है, ऑयल सीक्रेट होता है, जैसे गर्मी रहती है त्वचा के पास, तो फिर इस वजह से यहाँ पर क्या है, कवक वृद्धि करते हैं। तो ये जो गंजापन किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, जो होता है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस एक फंगस है जिसकी वजह से गंजापन और डैंड्रफ की समस्या होती है। यदि वो सीवियर डैंड्रफ हो जाता है तो लोगों के बाल गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो दाद हो गया हमारा, हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा जिसे बोलते हैं दमा, अस्थमा जो है उसकी बात करते हैं। तो अस्थमा के अंदर अस्थमा ऐसा नहीं है सिर्फ फंगस की वजह से होता है, तो अस्थमा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अस्थमा है ना एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। जैसे इसमें तो हमने लिखा है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर एक कवक है, आप सबको पता है। तो अस्थमा जो है ना इस कवक के संक्रमण से भी हो जाता है। अस्थमा के अंदर क्या होता है, फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों के अंदर कवक का जाल बन जाता है, कवक वृद्धि करते हैं फेफड़ों के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने और लेने में कठिनाई आती है। यही तो अस्थमा होता है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई आने लग जाती है। तो अस्थमा तो सबको पता है डिजीज, तो एस्परजिलस, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन रहता है कि एलर्जी से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अस्थमा एलर्जी से भी हो सकता है, जैसे किसी को परागकणों से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसकी वजह से भी, यदि वो उसके ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहता है तो उससे भी एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से अस्थमा हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। चलो ये देख लेते हैं, स्कैबीज, खाज, खाज खुजली ये किसकी वजह से होती है, नहाते नहीं है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट जनरेट होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो क्या है, कवक वृद्धि करते हैं। क्या वृद्धि करते हैं, कवक वृद्धि करते हैं,
खाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केबीज। स्केबीज बोलते हैं। तो जो इस खाज का जो कवक है वो होता है एकेरास स्केबीज। अब मुझे बताओ खाज क्या संक्रामक रोग है या नहीं है? ऑब्वियसली खाज तो संक्रामक रोग है। जिस इंसान की खाज होनी रहती है, यदि हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं, हम उसकी उस यूज करी भी चीजें, उसके कपड़े, उसके टॉवल वगैरह यूज करते हैं, तो क्या होता है? संक्रमित हो जाता है आदमी भी। तो स्केबीज के अंदर क्या होता है? खुजली वगैरह होती है। सबके लक्षण आपको बताइए तो सामान्य रोग चल रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी में सबको पता है। अब हम बात करते हैं एथलीट फूड। एथलीट फूड जो है एक टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस नाम का एक फंजाई है जिसकी वजह से होता है। एथलीट फूड के अंदर क्या होता है? पैरों के अंदर से, ये सिर्फ एथलीट्स के होता है, मतलब एथलीट फूड का मतलब होता है कि पैरों के अंदर जो है ना कवक इन्फेक्ट करता है, स्वेलिंग आ जाती है उसकी त्वचा के अंदर छेद करके एंट्री करता है एंड क्या करता है? स्वेलिंग करता है। तो हमारा कौन कौन सा हो गया? रिंगवर्म हो गया, डैंड्रफ मतलब बाल्डनेस हो गई, रिंगवर्म हो गया, खाज स्केबीज हो गया, एंड एथलीट फूड हो गया, उसके बाद अस्थमा। अस्थमा जो है और ऑप्शंस की वजह से भी हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा हो सकता है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो उससे अस्थमा हो सकता है, ठीक है। कई लोगों को काफी और भी ऑप्शन से अस्थमा होता है, पर यदि हम बात करते हैं फंगस की तो हमें होता है एस्परजिलस से, ठीक है। यहाँ तक फंगस वाली डिजीज कम्प्लीट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं हेलमेंथीस के होने वाले रोग कौन कौन से। हेलमेंथीस क्या होते हैं? चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ, फंजाई का किंगडम था जिसके अंदर क्या होता था, उसकी फंजाई की शेल वॉल किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज काइटिन या सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टिडोग्लाइकेन, आंसर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं हेलमेंथीस की। हेलमेंथीस कौन कौन से? हेलमेंथीस एनिमेलिया किंगडम के या प्लांट किंगडम, कौन से किंगडम के आते हैं हेलमेंथीस? हेलमेंथीस हमारे एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। एनिमेलिया किंगडम में हेलमेंथीस होते हैं दो तरह के। फर्स्ट हमारा आता है प्लेटी हेलमेंथीस एंड दूसरा हमारा आता है एसके हेलमेंथीस, ठीक है। अब बात करते हैं हेलमेंथीस, हेलमेंथीस बात कर रहे हैं, हेलमेंथीस होते क्या है? हेलमेंथीस है क्या भाई, क्यों बार-बार? तो हेलमेंथीस होते हैं हमारे कृमि। कृमि आपको पता है कैसे होंगे? छोटे होंगे, आकार में ऐसे होंगे, कृमि की तरह होंगे, लट जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वर्म जो होते हैं ना उन्हें बोलते हैं, तो वर्म बोलते हैं, वर्म बोलते हैं कृमि को। जैसे केंचुए को क्या बोलते हैं? अर्थवर्म बोलते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर रहता है कृमि उसे बोलते हैं अर्थवर्म, जो क्या है हमारा केंचुआ। प्लेटी हेलमेंथीस की बात करते हैं, एसके हेलमेंथीस की। प्लेटी हेलमेंथीस होते हैं हमारे फ्लैट वर्म, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चपटे कृमि कौन से होते हैं? प्लेटी हेलमेंथीस होते हैं, जो गोल कृमि होते हैं, गोल कृमि होते हैं हमारे, राउंड वर्म होते हैं एसके हेलमेंथीस, ठीक है। एसके हेलमेंथीस होते हैं गोल, एसके हेलमेंथीस होते हैं गोल, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। एंड प्लेटी हेलमेंथीस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? फ्लैट, इसलिए इन्हें बोलते हैं, इसलिए प्लेटी हेलमेंथीस को क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म, ठीक है, फ्लैट वर्म। फिर हम देखते हैं एलिफेंटाइसिस। अब हम बात करते हैं कि हेलमेंथीस भी रोग पैदा करते हैं। हेलमेंथीस सबसे पहले क्या हुआ? एनिमेलिया किंगडम के सदस्य है, ठीक है। हमने प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में देख लिया, प्रोटोजोआ किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ध्यान रखना प्रीवियस वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लिया करो। उसके बाद हम देखते हैं हेलमेंथीस से होने वाले रोग। हेलमेंथीस हमारे आते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है। एनिमेलिया किंगडम में दो हमारे क्लास है जो है प्लेटी हेलमेंथीस एंड एसके हेलमेंथीस, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथीस के अंदर आते हैं चपटे कृमि एंड एसके हेलमेंथीस के अंदर आते हैं राउंड वर्म। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिफेंटाइसिस। सबसे पहली बात तो है कि इसके नाम ही इंपॉर्टेंट है, जब आपको इसके नाम पता चल जाएंगे ना किस किस से होता है, मतलब इसके नाम क्या क्या है। एलिफेंटाइसिस को पहले तो हम बोलते हैं फाइलेरियाई, फाइलेरियाई, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहा करो, फाइलेरियाई। एंड दूसरा होता है बुचेरियाई, बुचेरियाई, ठीक है। तो एलिफेंटाइसिस को बोलते हैं फाइलेरियाई एंड बुचेरियाई। अब हम बात करते हैं कि एलिफेंटाइसिस को ये फाइलेरियाई एंड बुचेरियाई क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप पता तो होगा कि ऐसा तो जैसे हम बात कर रहे थे हेलमेंथीस क्या होते हैं? कृमि होते हैं, जिसके अंदर हम दो क्लास के बारे में बात करेंगे कि दो क्लास के सदस्यों के बारे में बात करेंगे। पहला आता है प्लेटी हेलमेंथीस एंड सेकंड आता है एसके हेलमेंथीस।
हम बात कर रहे हैं एलिफेंटाइसिस की। एलिफेंटाइसिस नाम से कैसा लग रहा है आपको कि इसके अंदर कुछ तो हाथी जैसा हो रहा होगा, कुछ तो बड़ा सा हो रहा होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। हिंदी में और पढ़ लो, एलिफेंटाइसिस मतलब हाथी पांव बोलते हैं। हाथी पांव का क्या मतलब है कि पैर जो है ना सूज के हाथी की तरह यानी मोटा हो जाता है, पैर दिखाई देता है जो सूज के होता है। तो इसके अंदर प्रभावित होने वाले अंग कौन से होते हैं, बात करते हैं प्रभावित अंग कौन सा है। तो ध्यान रखना प्रभावित अंग होता है इसके अंदर लिम्फ नोड एंड गोनेड्स। गोनेड्स मतलब जनन अंग और लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। लिम्फ नोड कहाँ होते हैं, हमारे जॉइंट्स पर, गर्दन के अंदर, आर्मपिट्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे लिम्फ नोड्स ध्यान रहते हैं, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर। तो ये जो एलिफेंटाइसिस रोग होता है इसके अंदर प्रभावित ऑर्गन होते हैं लिम्फ नोड एंड गोनेड्स। वहां पर क्या होता है, सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से पैर मोटा हो जाता है, हाथी की तरह मोटा हो जाता है, एलिफेंटाइसिस हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना एलिफेंटाइसिस होता है हेलमेंटीज से। अब कौन सा हेलमेंटीज, हमने क्या बोला, नाम क्या दिया, बुचेरियाई। वो आपको रोग में एलिफेंटाइसिस दे सकता है। फाइलेरियाई रोग कौन सा होता है ये दे सकता है। बुचेरियाई रोग कौन सा होता है, तो एलिफेंटाइसिस करने का कारक है बुचेरियाई ब्रैंकफटाई। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से हेलमेंटीज से होता है एलिफेंटाइसिस रोग। एलिफेंटाइसिस का नाम हमें ध्यान रहेगा भाई, फाइलेरियाई बोलते हैं, फाइलेरियासिस या बुचेरियासिस, ठीक है। तो बुचेरियाई रोग है तो बुचेरिया ब्रैंकफटाई से होता है, ठीक है। प्रभावित ऑर्गन कौन से हो गए, लिम्फ नोड्स एंड गोनेड्स हो गए, क्लियर है। देन हम बात करते हैं ये फाइलेरिया क्या है। तो ये जो बुचेरिया ब्रैंकफटाई होता है इसका लार्वा होता है माइक्रो फाइलेरिया। जनरल एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि माइक्रो फाइलेरिया जो लार्वा होता है ना, इस नाम की वजह से इस डिजीज का नाम क्या रखा गया है, फाइलेरिया ही रोग रखा गया है। लिम्फ नोड एंड गोनेड्स को प्रभावित करता है, इसे बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, सूजन आ जाती है, गोनेड्स आकार में बड़े हो जाते हैं, पैर आकार में बड़ा हो जाता है, हाथ आकार में बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा पहला हेलमेंटीज से होने वाला रोग कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड के बारे में बात करते हैं हम कि ये डायरिया जिसे बोलते हैं एस्केरियासिस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बुचेरिया ब्रैंकफटाई किसका एग्जांपल है, प्लेटी हेलमेंटीज या एस्के हेलमेंटीज। ये है हमारा किसका, प्लेटी हेलमेंटीज का एग्जांपल। अब हम देखते हैं एस्के हेलमेंटीज का। तो देखो डायरिया जो होता है, डायरिया मतलब किससे प्रभावित ऑर्गन क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा, क्योंकि डायरिया दस्त ये सब किससे रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। इंटेस्टाइन प्रभावित ऑर्गन होता है, प्रभावित करने वाला कारक डायरिया। डायरिया को बोलते हैं एस्केरियासिस, कि एस्केरियासिस कौन सा रोग है। तो एस्केरियासिस होता है हमारे एस्केरियासिस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। क्या नाम है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की वजह से होता है एस्केरियासिस, जिसके अंदर की आंत में छेद हो जाते हैं। ये जो मतलब हेलमेंटीज होता है वो किससे प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को। भूख नहीं लगती, उल्टियां आती है, पेट में जलन होने लग जाती है, दस्त हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की वजह से होता है। तो डायरिया हो गया एंड हेलमेंटीज हो गया। थर्ड हम देखते हैं टीनियसिस। आप सब लोगों को पता है प्लेटी हेलमेंटीज का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, सबसे पहले तो भाई दिमाग में प्लेन एरिया आ रहा होगा। प्लेन एरिया होता है, सही बात है। प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है, टॉपिक खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम ये भी क्या है, प्लेटी हेलमेंटीज का एग्जांपल है। सबसे पहले किंगडम तो बताई होंगे आप लोगों को, 11 किंगडम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्लेटी हेलमेंटीज वहीं से क्लियर होगा। टीनिया सोलियम जिससे होता है टीनियसिस, ये जो टीनिया सोलियम है वो मानव को प्रभावित करता है। उसके बाद इंटेस्टाइन। टीनियसिस के अंदर भी सेम चीजें होती है, आंत के अंदर आंत को इफेक्ट करते हैं, दस्त लग जाते हैं, पेट में जलन होती है, भूख नहीं लगती, पाचन नहीं हो पाता ढंग से, ठीक है। तीसरी डिजीज क्लियर हो गई टीनियसिस। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एलिफेंटाइसिस एंड एस्केरियासिस जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद हम एक देखते हैं लोवा लोवा। आप सब लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, लोवा 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 तेरी आंखों का जादू। तो वो गाना है ना, उसको उसकी ट्रिक है देखो याद करने की। सब लोवा लोवा जो है ना आई वॉन से होता है,
याद हो गया, ये गाना सबको याद रहेगा। तो लोअर लोअर जो होता है आई वन से होता है, वर्म किसके अंदर आते हैं, हेलमेंथीस के अंदर आते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं ई, एक और देख लेते हैं, इसका उन्मूलन हो चुका है वैसे तो, ड्रेकनकुलस है इसका नाम। ड्रेकनकुलस के अंदर क्या होता था, पर है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज है, तो मुझे भी इसको पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी मजा आता था। तो ड्रेकनकुलस के अंदर क्या होता है, ड्रेकनकुलस होता है किसकी वजह से, गिनी वर्म की वजह से होता है। आप लोग है ना कॉपी में नोट करते रहा करो, राइटिंग अगली बार से सही रहेगी। तो हम बात करते हैं ड्रेकनकुलस की, ठीक है, ड्रेकनकुलस की बात करते हैं। ड्रेकनकुलस होता है किसकी वजह से, गिनी वर्म की वजह से। तो वर्म आ गया किसकी वजह से होगा, हेलमेंथीस की वजह से होगा, क्लियर है। ड्रेकनकुलस के अंदर पता है कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वैसे इसका उन्मूलन हो चुका है भारत से, ड्रेकनकुलस का उन्मूलन हो गया। ड्रेकनकुलस के अंदर क्या होता है, ये जो गिनी वर्म होते हैं ना बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं, इस इंसान को क्या है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। लेकिन हाइड्रोफोबिया हो भी जाता है और है ना इसका जो इलाज है वो भी पानी के अंदर जाके ही है, मतलब बहुत ही दर्दनाक तरीके से इलाज होता है। मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर गिनी वर्म चले गए, रिप्रोडक्शन कर लिया, संख्या बढ़ा ली भयंकर तरीके से, तो उस इंसान को पानी से डर लगता है। क्योंकि क्या होता है, पानी के पास जाते ही त्वचा में से फटकर बाहर निकलते गिनी वर्म। तो इसका इलाज क्या होता है, इंसान को पानी में रखा जाता है, त्वचा फटती है, गिनी वर्म बाहर आते हैं, भयंकर तरीके का दर्द होता है। लेकिन अब ये डिजीज का जो है उन्मूलन हो चुका है। तो हमारी कौन कौन सी हो गई, एलिफेंटाइसिस, टीमियसिस, इंपॉर्टेंट कौन सी है, एलिफेंटाइसिस है, एंड कौन सी है, एस्केरियसिस है, जो कि एस्केरिस लुम्बरिकॉइडिस की वजह से होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन प्रभावित होता है, दस्त वगैरह हो जाते हैं, पाचन ठीक से नहीं होता, भूख नहीं लगती, ये सारे कारण होते हैं। टीमियसिस, टीमियसिस के अंदर लक्षण सेम डायरिया वाले, लेकिन टीमियसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, टीमिया सोलियम की वजह से होता है। लोवा लोवा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आई वर्म की वजह से होता है। इफेक्टिव पॉइंट्स, आई जो आंखें हैं ये लोवा लोवा है ना अफ्रीका, अफ्रीका में होता है मैक्सिमम, अफ्रीका में पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। लोअर लोअर जो डिजीज है हेलमेंथीस द्वारा होने वाली, आई वर्म जिसके अंदर क्या है क्यूटेनस या सबक्यूटेनस जो लेयर होती है आई की, उसके अंदर क्या है स्वेलिंग आ जाती है, तो उनकी आंखें आप लोगों ने देखा होगा बाहर निकली रहती है, वो हो जाता है आई वर्म की वजह से। ड्रेकनकुलस की बात कर ली, गिनी वर्म की वजह से होता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है मोस्टली हाइड्रोफोबिया हो जाता है, क्लियर हो गए। फंगस एंड हेलमेंथीस से होने वाले रोग,